हेलो डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू टुडे आई एम योर मैथ्स टीचर नुपुर खुलहरी प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 ऑफ चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स क्लास 9 से एग्जांपल्स पढ़े थे एस 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 एंड आर एच एस लॉ ऑफ कॉन्ग्रेंसी भी हमने पढ़ा था इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 7.3 पॉइंट थ्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमें ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रैंगल डी बी सी आर टू फिगर देखिए ए बी सी एक तो ट्रैंगल है हमारे पास ठीक है ए बी सी एंड ट्रैंगल डी बी सी ट्रैंगल डी बी सी ये दोनों ट्रैंगल ये आइसोस्केलस है हमारे पास मीन्स जो ए बी है वो तो किसके इक्वल है सी के और बी डी जो है वो इक्वल है डी सी के ठीक है इफ ए डी इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी भाई हमने क्या किया एडी को एक्सटेंड कर दिया जो कि बी सी को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है शो डैट फर्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है डेट ट्रैंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रैंड टू ट्रैंगल ए सी डी भाई ए बी डी मतलब दिस ट्रैंगल कौन सा ट्रायंगल कोंग्रेन्ट प्रूव करना है ए बी डी ए बी डी दिस ट्रायंगल इस कोंग्रेन्ट टू ट्रायंगल ए सी डी ए सी डी को भी हम कर लेते हैं कलर ए सी डी इन दोनों ट्रायंगल को हमें कोंग्रेन्ट प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट के अंदर चलिए फिर कर देते हैं इसको प्रूफ सबसे पहले तो जो गिवन है उसको ओपन लिख लेते हैं गिवन क्या है हमें डेट ए बी इक्वल्स टू ए सी है और बी डी इक्वल्स टू सी डी है आईसोस के ट्रैंगल थे ना चलिए टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें ट्रैंगल ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राएंगल ए सी डी प्रूफ देख लीजिए इसका तो ट्रायंगल ले लेते हैं अपन ABD एंड ट्रायंगल ACD देख लेते हैं दोनों में क्या-क्या इक्वल है सबसे पहले तो AB जो है वो AC के बराबर है भाई ये रेड वाला ट्रायंगल और ये ब्लैक वाला ट्रायंगल इसमें जो AB साइड है वो इस वाली AC के बराबर है AB इक्वल्स टू AC ऐसा हो गया हमारे पास गिवन है ये हमें और BD जो है दैट इज इक्वल्स टू CD BD क्वल टू सी डी ये भी एस हो गया और इसका रीजन क्या है दे बोथ आर गिवन टू एस अच्छा और कुछ इसके अंदर इक्वल हो ये जो ए डी है ना ए डी ये दोनों में आ रही है इस वाले ट्रेंगल में भी और इस वाले ट्रेंगल में भी तो ए डी इक्वल्स टू ए डी ये भी एस हो गई हमारे पास और इसका रीजन क्या है कॉमन तो कौन सा लॉ लग रहा है कांग्रेंसी का एस 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 फ्रॉम एस 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 लॉ ट्रैंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रैंगल ए सी डी ये वाला ट्रैंगल इस वाली ट्रैंगल की क्या है बिल्कुल कॉन्ग्रेंट है और सी पी सी टी से दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल कौन सा एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी सी ए डी इसको अपन वन मान लेते हैं ये आगे यूज आने वाला है हमारा ठीक है चलिए ये तो अपने फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ कर दिया सेकंड में क्या कह रहा है सेकंड में क्या प्रूफ करना है आपको ट्रायंगल ए बी पी ए पी अब देखिए ये ए बी पी के अंदर हमारा कंप्लीट ट्रायंगल आ गया ये पूरा ए बी पी किसे कॉन्ग्रेंट है ए सी पी के ए सी पी के इसके पूरा इन दोनों को अभी अपने को कांग्रेट प्रूफ करना है चलिए फिर कर देते हैं इसको भी प्रूफ सेकेंड पॉइंट के अंदर टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी पी इस कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी ठीक है अच्छा क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर सबसे पहले तो भाई ए बी किसके इक्वल है ए सी के ए बी इक्वल्स टू ए सी इसका रीज़न क्या है भाई तो ये साइड है और ये हमें गिवन है इक्वल ऐसे उस कल गिवन था ना अच्छा और ए पी दोनों के बीच में कॉमन आ रहा है ए पी है ना तो ए पी इक्वल्स टू ए पी तो ये हमारी क्या हो गई तो साइड हो गई और ये इसका रीजन क्या है कि ये दोनों के बीच में कॉमन है और क्या इक्वल है दोनों के अंदर एक ही एंगल बी ए पी ठीक है एंगल बी ए पी इक्वल्स टू एंगल सी ए पी सी ए पी हमने अभी फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट था उसमें प्रूफ किया था कि बी ए डी जो है ये बी ए डी अब चाहे बी ए डी लिखो या फिर बी ए पी लिखो वन एंड द सेम थिंग ठीक है तो ये हम क्या लिखेंगे फ्रॉम पॉइंट वन ठीक है फ्रॉम वन ठीक है तो देखिए लॉ कौन सा लग रहा है ये एंगल हो गया ना यहाँ पे एस ए एस लॉ ये साइड ये एंगल और ये एस तो एस ए एस लॉ से अपन क्या कह सकते हैं बाय एस ए एस लॉ वट वी कैन से डेट ट्रैंगल कौन सा ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राएंगल ए सी पी अच्छा दोनों कांग्रेंट है इट मीन सी पी सी टी से बी पी इक्वल्स टू पी सी ठीक है सीपीसी से लिख दीजिए बी पी इक्वल्स टू सी पी इसको अपन पॉइंट नंबर हमारे टू मान लेते हैं ठीक है पॉइंट नंबर टू ठीक है चलिए आगे क्या कह रहा है सेकंड तो प्रूव हो चुका है थर्ड देख लीजिए एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज एंगल डी जो एपी लाइन है ना एपी ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करी तो भाई ये ए को करी ये तो अपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है, है ना क्योंकि ये एंगल बी ए पी एंगल सी ए पी के बराबर है अब अपने को प्रूफ करना है कि ये एंगल भी इस एंगल के बराबर है ठीक है क्या प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है तो ये वाला एंगल इस वाले ट्रेंगल में आ रहा है आ रहा है ना और ये वाला एंगल इस वाले ट्रेंगल में आ रहा है तो दोनों को अगर अपन कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दे सीपी सीटी कह सकते डेट दिस एंगल इज इक्वल टू डेट एंगल तो चलिए फिर अभी इन दोनों ट्रैंगल्स को अपन कॉन्ग्रीट प्रूफ कर देते हैं थर्ड वाले में पी बाइसेक्ट्स एंगल ए ये हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है फ्रॉम पॉइंट वन है ना अब अपने को क्या प्रूफ करना है कि वो डी को भी बाइसेक्ट कर रहे हैं तो टू प्रूफ डेट एंगल बी ए बी डी पी इक्वल्स टू एंगल सी डी पी इसके लिए हमें इन दोनों ट्रैंगल को कॉन्ग्रेट प्रूफ करना पड़ेगा तो ट्रैंगल कौन सा लेंगे हम ट्रैंगल बीपीडी या बी डी पी एंड ट्रैंगल सी डी पी क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर सबसे पहले तो जो बी डी है ना बी डी वो किसके इक्वल है सी डी के एस हो गई और इसका रीजन क्या है ये हमें इक्वल गिवन है क्वेश्चन के अंदर आई सो इसके लिए अंदर वाला भी अच्छा और क्या इक्वल है बीपी जो है ये किसके इक्वल है सीपी के ये सेकंड पॉइंट में अपने यही प्रूव किया था डेट इक्वल्स टू सीपी ये सेकंड पॉइंट में सीपी सी में अपने यही बोला था बीपी इक्वल्स टू सी तो ये फ्रॉम सेकंड लिख देते अपन फ्रॉम सेकंड ठीक है और ये भी साइड हो गई हमारे पास और दोनों के बीच में कॉमन है डीपी तो डीपी इक्वल्स टू डीपी डीपी इक्वल्स टू डीपी ये भी साइड हो गई और इसका रीजन भी क्या आ गया कॉमन तो लॉ कौन सा लग रहा है ये भी एस है ये भी एस है ये भी एस है एस 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 लॉ से अपन क्या कह सकते हैं जाए? ट्रेंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ठीक है और सीपीसी टी से वट वी कैन से डेट एंगल बी डी पी इक्वल्स टू एंगल सी डी पी प्रूव चलिए आगे क्या कह रहा है वो फोर्थ पॉइंट में एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी इक्वल तो अभी हमने प्रूफ कर दिए कि एंगल्स को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं अपने को क्या प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है थोड़ा सा इसको रिमूव कर देते हैं यहां से दिस एंगल एंड दिस एंगल 90 डिग्री है पर पेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला है ना तो बाई सेक्टर तो क्या हो गया कि पी बी इक्वल्स टू पी सी तो ये दोनों इक्वल आपने प्रूव कर दिए पॉइंट नंबर सेकेंड में अपने को प्रूव करना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 90 डिग्री के हैं तो चलिए ये भी प्रूव कर देते हैं अभी अपने प्रूव किया है कि ये दोनों ट्रैंगल क्या है कॉन्ग्रेंट है इसका मतलब ये जो एंगल होंगे कौन से वाले डी पी बी किसके बराबर होगा डी पी सी के एंगल डी बी इक्व टू एंगल डी पी सी और एंगल डी पी बी प्लस एंगल डी पी सी कितना होना चाहिए वन हंड्रेड एट्टी डिग्री होना चाहिए क्यों क्योंकि हमारी बीसी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है ये वही लाइन कैसी है एक स्ट्रेट लाइन है बीसी एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा ठीक है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी हैं तो अपन लिख सकते हैं टू टाइम्स एंगल डी पी बी इक्वल्स टू वन डिग्री और एंगल डी पी बी इक्वल्स टू नाइन्टी डिग्री तो ये भी 90 डिग्री ठीक है प्रूव्ड और हमारे पास ये बीपी क्वल्स टू सी पी है, है ना? तो ये बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर तो तो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्या कह रहा है हमें एडी इज एन एल्टीट्यूड तो एल्टीट्यूड में आपको पहले ही बता चुकी हूँ एडी एल्टीट्यूड है मतलब ये बी सी के ऊपर राइट एंगल बना रहे ऑफ एन आईसो स्केले इन विच ए बी एक सी ये ए बी सी कैसा ट्रैंगल है आइसोस्केलेस है ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन है तो गिवन लिख लीजिए तो पहले तो सबसे पहले गिवन ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी ए डी सी डेट इज ऑफ नाइनटी डिग्री अल्टीट्यूड है ए डी ए डी अल्टीट्यूड है चलिए फिर फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि जो ए डी है बाइसेक्स बी सी ए डी बाइसेक्स बी सी मतलब ये जो ए डी लाइन है बी सी को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है टू प्रूव बी डी इक्वल्स टू सी डी ठीक है टू प्रूव फर्स्ट में टू प्रूव बी डी इक्वल्स टू सी डी ठीक है वो अपन कैसे कर सकते हैं अगर अपन इन दोनों ट्रायंगल को इस वाला ट्रायंगल को ए बी डी एंड ए सी डी को प्रूफ कर दें तो सीपीसी से वी कैन से डेट बी इक्वल्स टू सी डी सो अस प्रूव बोथ द देंगल ले लीजिए ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ए बी जो है डेट इज इक्वल्स टू ए सी ये हमारी साइड हो गई और उसके रीजन क्या है गिवन है हमें इक्वल गिवन थी ना कि ए बी ए सी के इक्वल है अच्छा और क्या क्या है इसके अंदर जो इसमें भी आ रही हो और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रही हो ए डी कॉमन है ना दोनों के बीच में तो ए डी इक्वल्स टू ए डी ये क्या हो गई हमारे पास अगेन एक और साइड और इसका रीजन क्या है कॉमन अच्छा ये एंगल ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी ये राइट right एंगल है नाइन्टी डिग्री और इसका रीजन भी क्या है हमें गिवन अच्छा 90 है तो अपन देख लेते हैं कि ये आर हो सकता है आर अच्छा एच भी है क्या आर के अपोजिट हाइपोटेनस कौन सा है ए बी इसके अपोजिट हाइपोटेनस AC ए सी तो क्या ए बी ए सी के इक्वल है यस तो ये एस नहीं होगा ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे एच ठीक है आर एच और दूसरी साइड क्या होगी रिमेनिंग एस तो लॉ कौन सा लगेगा by बाय आर एच एस लॉ वट वी कैन से डेट ट्राएंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रा एंगल ए सी डी ठीक है एंड सी पी सी टी से वॉट एवर आस्ट जो भी क्वेश्चन में पूछा है लिख दो बी डी इक्वल्स टू सी डी ठीक है बी डी इक्वल्स टू सी डी एंड प्रूट ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया सेकेंड क्या बोल रहे हो ए डी बाई सेक्स एंगल ए जो ए डी है ना वो ए को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये टू पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में एंगल ए को डिवाइड करा दिस एंगल इक्वल्स टू दिस तो भाई ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रेंट है तो सी पी से जहां आपने ये बोला है कि बी डी इक्वल्स टू सी डी सी पी से अपन ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल है कौन सा सेकेंड पार्ट में देख लीजिए सी पी से एंगल बी डी बी ए डीवल्स टू एंगल सी ए डी तो डिवाइड कर रहा है मींस इज अ करूफ ठीक है कुछ भी नहीं है तो इस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर वन एंड टू करे हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर